चिली का लॉन्गेस्ट नहीं लार्जेस्ट है बच्चा उसका आंसर था सर राजस्थान और एस तो उसमें शायद ऑप्शन वो हुआ ही नहीं होगा ना तभी दिया होगा सर ये आपके मेरे विक्रम चौक से मिले मेरे अच्छा <laughs>

सर आपको नहीं पता वो कैसे बिजनेस चलाते है, सर? हैं सर लूटते हैं बच्चे हां हां और लूटते हैं ये तो मुझे पता है सर एक तो वहां पे द लाइन सेपरेटिंग वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज द वाटर शेड आंसर उसका तो सर वाटरशेड में क्या आएगा कि ऐसे जो वो झरना टाइप बनता है सर हम्म हम्म नहीं वाटर शेड डिवाइड करता है हां जी जी हां हां मैं लाइव हूँ बच्चा पहले लाइक मैंने किया सर मेरा नाम बोले प्ले जी यासिर जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका अभी ना नहीं नहीं बच्चा कल करवाऊंगा मुझसे <coughs> जय हिंद जय हिंद सत श्रीकाल नमस्कार जय श्री राम सबको वालेकुम बस दो तीन मिनट और वेट करते फिर हम स्टार्ट करते हैं ठीक है आज हम वेजिटेशन स्टार्ट करेंगे हाँ अच्छा नहीं 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 कुछ नहीं होता हाँ 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 गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर जी इन्वायमेंट आप करवाओ प्लीज अरे यार मनमीत जी बहुत वो करवा दिया सत समृति हाँ आई नीड योर सजेशन सर जी आदिल बताओ क्या सजेशन चाहिए नहीं वो रियाज बेसिकली ना कलर का प्रॉब्लम हो जाता है पीछे अगर वाइट रहेगा ना तो कैमरा वो खराब करता है सर जी जी मुसा जी थैंक यू ई वी एस पर सर एम सी लाओ पहले तानी जी एक चीज़ खत्म कर लूँ मैं इससे पहले किसी क्ला, किसी क्लास में चल रही थी बच्चा पेज नंबर मुझे नहीं पता ये मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है अभी बोल दूंगा ग्रुप में तो आपको सेंड कर देंगे पीडीएफ आप फिलहाल अभी देखो हम पढ़ने वाले हैं जी आज वेजिटेशन ऑफ इंडिया एंड होगा तो सॉइल्स भी कंप्लीट कर लेंगे ठीक है वेजिटेशन <coughs> बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके ना जेके के के पी एस ए के परस्पेक्टिव से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है चलो जी अब देखो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा वेजिटेशन राइट क्या स्टार्ट करने वाले हैं वेजिटेशन वेजिटेशन का अगर मैं ज्योग्राफी में आपको ये आपको इन्वायरमेंट भी काम आएगा ये आपको ज्योग्राफी में भी काम आएगा ठीक है वेजिटेशन की अगर मैं बात कर तो वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट की बात हो रही है किसकी बात हो रही है फॉरेस्ट ऑफ इंडिया अब एक फॉरेस्ट मतलब ट्री है ना एक पेड़ अगर आप देखो क्या मैं ट्री को ऑटोड्रॉफ्ट बोल सकता हूं पहले तो सिंपल सी बात है हम इसको ये बात देखते हैं ट्रीज क्या है? एक ट्री लेते ट्री क्या है ऑटोट्रॉफ है ना बच्चा क्यों कौन होते हैं जो अपना खाना जो एनर्जी अपने खुद प्रोड्यूस करते हैं जैसे मैं हूं तो मैं अपने लिए एनर्जी अगर मैं बोल रहा हूं जो एनर्जी में यूज कर रहा हूं बोलने के लिए वो एनर्जी मैंने खुद प्रोड्यूस नहीं की है बिकॉज आई डोंट हैव कैपेसिटी टू

लेकिन आपके अंदर कहा है इनडायरेक्टली तो किसके थ्रू आपके अंदर एंटर हुई एनर्जी प्लांट्स के थ्रू एंटर हुई है मतलब प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं सन से डायरेक्टली एनर्जी को क्या करते हैं प्रोक्योर करते हैं डायरेक्टली एनर्जी को क्या करते हैं बच्चा प्रोक्योर करते है. ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है कि ट्री जहां पे सोलर एनर्जी जबरदस्त होगी वहां पे ट्री आपको मिलेगी है ना अब देखो ट्री की ग्रोथ दो चीजों पे डिपेंड करती है यार ट्री की ग्रोथ दो चीजों पे एक सनलाइट ठीक है एक वाटर अवेलेबिलिटी पानी ठीक है सनलाइट और पानी पानी क्या करेगा रूट्स के थ्रू जमीन से लेगा है ना सनलाइट जो सनलाइट को ट्रैप करता है ठीक है आपके पत्तों के ऊपर आपको पता है क्या होता है गार्ड सेल्स होते हैं गार्ड सेल में स्टोमेटा होता है जिससे क्या होता है ये एंटर होती है एनर्जी अब अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा चाहे आप इंडोनेशिया चले जाएं ठीक है चाहे आप केरला वाले पार्ट चले जाएं चाहे अंडमान एंड निकोबार चले जाएं चाहे अफ्रीका में सिचुएटेड कांगो हो ठीक है चाहे ब्राजील में अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो आप देखना यहां पे आपको बहुत घने जंगल मिलेंगे बहुत ज्यादा घने जंगल मिलेंगे क्यों क्योंकि धरती के उस हिस्से में पड़ते हैं जहां पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है धरती के उस हिस्से में पड़ते हैं जहां पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है मतलब ये कहां है इक्वेटर के पास केरला इज इक्वेटर के पास अंडमान इक्वेटर के पास यहां से इक्वेटर क्रॉस होता है ठीक है तो जो जो चीजें इक्वेटर के पास है मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिसीव कर रही है मतलब सनलाइट रिसीव कर रही है तो मैंने क्या बोला ट्री को चाहिए क्या सबसे ज्यादा सनलाइट चाहिए अब अगर आप धरती बनाएंगे ठीक है अगर आप धरती बनाएंगे तो आप देखेंगे पोल्स में पोल्स वाली साइड आपको वेजिटेशन पेड़ मिलेंगे नहीं बड़े बड़े पेड़ मिलेंगे नहीं नहीं क्यों रीजन क्या है नहीं है सनलाइट उतनी एनर्जी नहीं है जो एनर्जी रिक्वायर्ड है क्या करने के लिए एक ट्री को ग्रो करने के लिए तो मतलब सनलाइट की वेरिएशन की वजह से आपको वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट में भी क्या देखने को मिलेगा जी वेरिएशन देखने को मिलेगी मेरी बात आप, आपको क्लियर हो गई तो इसी को देखते हो अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब मैं या कह कह सकता हूं कि लैटीट्यूड्स ठीक है लैटिट्यूड्स में आ गया लो लैटीट्यूड लो लैटीट्यूड कौन से आ गए इक्वेटर है ना फिर आ गया मिड लैटीट्यूड क्या जैसे जैसे आप जीरो डिग्री से ऊपर वाले लैटिट्यूड की तरफ जाते जाओगे सिक्सटी डिग्री नॉर्थ सिक्सटी डिग्री साउथ तो आपको वेजिटेशन कम मिलती जाएगी ड्रेड परसेंट कम मिलती जाएगी क्यों क्योंकि सनलाइट जो एनर्जी का इंपैक्ट है वो क्या होता जाएगा कम होता जाएगा मतलब लैटिट्यूड्स का आप डायरेक्टली देना किसके साथ साथ वेजिटेशन के मेरी बात क्लियर होगी अब अगर आप देखोगे ये ऐसे बच्चे इंडिया तो है नहीं मैं ऐसे इंडिया बना रहा हूं ठीक है सपोज करो ये इंडिया ठीक है तो इंडिया का के लैटीट्यूड क्या है सिक्स डिग्री नॉर्थ टू अराउंड थर्टी डिग्री नॉर्थ इन दो लैटीट्यूड के बीच में इंडिया पड़ रहा है ना ठीक है

थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ और इक्वेटर के बीच में इस जोन को हम क्या बोलते हैं जोन बोलते हैं, हैं। है है ना? जोन मिलते हैं। आप देखना आपको सबसे ज्यादा घने जंगल जो है, वो इस जोन में मिलेंगे। लेकिन इस जोन में सु, तो है, लेकिन कहीं कहीं इंडिया में इंडिया की बात करूं कहीं कहीं वाटर कहीं की वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है जिसके वजह से धूप तो सही लेकिन फिर वेजिटेशन नहीं है जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा एक वेजिटेशन है उसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एक फॉरेस्ट कौन सा है जी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बच्चा एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट है बच्चा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो पूरे साल हरे भरे रहते हैं वो कभी भी अपने पत्ते अपने लीव्स को शेड नहीं करेंगे गिराएंगे नहीं रीजन क्या है लीव्स ना शेड करने का बिकॉज यहां पे कंटिन्यूसली वाटर की अवेलेबिलिटी भी है और आपका साथ साथ क्या है जी सनलाइट भी अच्छी पड़ रही है तो अगर आप देखोगे अराउंड जो इंडिया में जो रेनफॉल है बच्चे जिसने मेरा क्लाइमेट नहीं पढ़ा वो यूट्यूब में जाके पहले मेरे क्लाइमेट के सारे लेक्चर्स देख ले फिर उसको वेजिटेशन ज्यादा ये भी समझ आ जाएगा लेकिन अगर वो वॉच करेगा तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा वेजिटेशन ठीक है सेवेंटी रेनफॉल यू रिसीव थ्रू मॉनसून है ना मॉनसून अब आप देखना चाहे मैंने बोला ये क्या ट्वेंटी थ्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ के नीचे टॉयरिट जोन है जोन क्या होता है हीट सरप्लस जोन मतलब यहां पे एनर्जी को क्या कर सकते प्रोक्योर कर सकते बट एनर्जी के साथ साथ वाटर भी तो चाहिए आप अगर देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको कहां मिल रहा है तो आप लिखेंगे यहां पर क्या बचा वेस्टर्न घाट से यहां पर क्या है वेस्टर्न घाट से ना आप देखना वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न मार्जिन में यहां पर यहां पे आपको कौन से फॉरेस्ट मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट रीजन क्या है दो एक तो इट इज इट इज इन इन बिटवीन टॉरिड जोन एंड जो मॉनसून है वह एंटरी कहां से करते हैं आपके यहां से करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं जी साउथ वेस्ट मॉनसून ठीक है लेकिन जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे बच्चा इंडिया के अंदर यहां से वेस्टर्न घाट से अंदर एंटर करते जाएंगे आपको जो वेजिटेशन का इंपैक्ट है जो वेजिटेशन की डेंसिटी है जो वेजिटेशन में डाइवर्सिटी है वो कम होती जाएगी क्यों क्योंकि सूरज की रोशनी तो है लेकिन वाटर अवेलेबिलिटी क्या जी? कम है तो आप देखेंगे ये जो अंदर, अंदर वाला जो क्या कहते चीज है ये जो अंदर वाली चीज है ये दिस वन ये जो अंदर वाली चीज है यहां पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे क्या मिलेंगे डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे वाय बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रेनफॉल कम होने की वजह से आपको यहाँ पे डेसिडिस बच्चे डेसिडिस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो अपने ट्रीज का क्या लीव्स को क्या करते हैं शेड करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं डेसिडिस फॉरेस्ट बच्चा यहां तक आपको पहले मुझे बताओ ये चीज आपको क्लियर हुई जो जो बच्चा वॉच कर रहा है आपको ये चीज समझ आई अच्छे से फिर मैं आगे चलू <coughs> कभी नहीं गिरा था। हाँ आप यहाँ पे चल नहीं सकते हो आप यहाँ आप मुझे नहीं देख सकते यहाँ से सी में इतने डेंस होते हैं अच्छा मुझे लगता है छः सात बजे अभी अजान का टाइम होता है ना हाँ नहीं अबरार जी पहले खत्म हो जाए ना एक चीज खत्म हो जाए इंसान जबान थकती है ना बच्चा क्रिस्टल क्लियर चलो जी थैंक यू चलते हम आगे तो तो आप मुझे बताओ जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो मॉनसून कम होता जाएगा अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी सनलाइट कम हो रही है नीचे इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो भाई वेजिटेशन में तो डाइवर्सिटी आएगी तो इंडिया में आपको बहुत तरीके के डाइवर्सिफाइड स्पीशीज मिलेंगी आपको क्या इंडिया में देखने को हर तरीके की स्पीशीज आपको इंडिया में देखने को मिलेगी और पुष्पा देखा ना हम नहीं हारेगा बास बचा वही है समझ रहे हो नहीं झुकेगा नहीं हारेगा ऐसा ही बनेगा तारे लगाएगा ठीक है बच्चा तो ये क्या है इंडिया क्यों इंडिया को क्या कह कहते हैं ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि इंडिया उनके हाथों से जाए बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा रिसोर्स था ना सिर्फ कॉटन को लेके आपके फॉरेस्ट प्रोड्यूस को लेके इतना फॉरेस्ट टीक साल ये यूज करते थे क्या करने के लिए रेलवे लाइन बनाने के लिए ठीक है अपनी शिप्स बनाने के लिए तो क्यों क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इसी को देखते हुए ठीक है ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल एंड सनलाइट वी हैव डिवाइडेड

लिटोरल एंड स्वयं फॉरेस्ट आपके जैसे एग्जाम्पल हो गए मैंग्रूव फॉरेस्ट जो आपको सुंदरबंश डेल्टा में मिलते हैं जो आपको कोस्टल एरियाज में मिलते हैं ठीक है अब हम इनको एक एक करके क्या करेंगे जी रीड करेंगे इधर लिख दिया टोपिकल बच्चा टोपिकल नहीं है क्या है ट्रॉपिकल है अब बच्चा बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां मिलेंगे मैं जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इनमें याद रखनी है

और वहां पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी जो इक्वेटर में होती है टॉरिड जोन के अंदर तो वहां पे आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा अब देखो बच्चा लोकेशन क्या है कहां कहां ये मिलते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट हाँ पहले हम ये देख लेते हैं कहां कहां मिलते हैं बोला वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं और कहां मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन मिलते हैं और अंडामान निकोबार आइलैंड में मिलते हैं हम थोड़ा मैप में लोकेट करते हैं अभी में अंधेरा अंधेरा हो जाएगा लेकिन टेंशन नहीं लेना ठीक है हा तो बच्चा देखो अभी मैं इसको क्या करूंगा जी रेड से मार्क करूंगा वेस्टर्न घाट ये है तो वेस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न स्लोप्स, ये ये आपके क्या है जी ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये कहां पे मिलेंगे जहां पे एनुअल रेनफॉल क्या हो रही है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रही है और कहां देखने को मिलेंगे आपको अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और आपको कहां मिलेंगे देखने को आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कौन सा आ गया आपका दिस एरिया ठीक है ये एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये समझ आ गया क्लियर है अब चलते हैं आगे <laughs> बच्चा स्पीशीज कौन कौन सी है ये आपको नहीं भूलना है क्या कि स्पीशीज की कौन कौन सी है स्पीशीज देख लेते हैं हम रोजवुड महागनी मैसुआ एनी एबोनी नोपिया दीज आर दी ट्री स्पीशीज ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट याद रहेगा यह मैं आपको सेंड कर दूंगा क्या

अंडमान निकोबार वाले रीजन में मिलेंगे लेकिन उस जगह मिलेंगे अंडमान निकोबार में जहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन के के कंपैरिजन में रेनफॉल कम हो रही है रेनफॉल कम कहां कम हो रही है बच्चा जब हम अंदर की ओर जाएंगे जब हम क्या करेंगे अंदर की ओर जाएंगे तो रेनफॉल कम होती जाएगी ना जब रेनफॉल कम होगी तो है ये गर्म इलाका ही है लेकिन पानी कम होने की वजह से यहां पे जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से सेमी सेवरग्रीन फॉरेस्ट और इनकी ट्री स्पीशीज कौन कौन सी है दिस इज इंपॉर्टेंट देखो बोला आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए कौन सा फॉरेस्ट है जिसको बोलते हैं इट इज मिक्सचर ऑफ एवरग्रीन एंड डेसिडियस फॉरेस्ट तो उसका आंसर है ट्रॉपिकल सेमी सेवरग्रीन फॉरेस्ट यहां पे कौन कौन से आपको ट्री स्पीशीज मिलेंगे ये बोलना नहीं है व्हाइट सीडार हलॉक और कैल दीज आर दी ट्री स्पीशीज जो आपको कहां मिलती हैं जी आपकी ट्रॉपिकल सेमी सेवरग्रीन फॉरेस्ट अगेन आई एम रिपीटिंग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा मार्जिन में क्यों क्योंकि वेस्टर्न वेस्टर्न घाट का मार्जिन सबसे पहले रेनफॉल रिसीव करता है साउथ वेस्ट मॉनसून से दूसरी बात उसके ट्री स्पीशीज कौन कौन से थे महागनी एबोनिस नोपिया सेमुल ठीक है एनी ये याद रखना है आपको अब इसी वेस्टर्न घाट में जहां पे रेनफॉल कम हो रही है वहां पे ट्रॉपिकल सेमी सेवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे जो मिक्सचर है किसका मिक्सचर है एवरग्रीन फॉरेस्ट का और मॉइस्ट मॉइस फॉरेस्ट का ठीक है और ट्री स्पीशीज कौन कौन सी मिल रही है व्हाइट सीडार हलॉक और कैल। बच्चा आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ क्लियर हो तो जल्दी जल्दी कर दो हा हू या बच्चा इसमें रेनफॉल चाहिए नहीं 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 कुछ नहीं। लिखा था पुत्रो चेक करने दो मुझे। नहीं लिखा था नहीं लिखा नहीं इसमें इस अगर इस... मैंने नहीं लिखा ना तो जुड़ते नहीं है फिर ठीक है अब बचा चले आगे ठीक है कौन से फॉरेस्ट हैं जिनको हम फॉरेस्ट बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे फॉरेस्ट जिनको मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं उनका नाम है ट्रॉपिकल डेडियस फॉरेस्ट क्या नाम है उनका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहां पे ऑलरेडी ब्लैक था तो मिस हो गया बोलते मॉनसून फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज फर्दर इन टू टू ट्रॉपिकल मॉइस्ट एंड ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस कितने में डिवाइडेड है ट्रॉप अगेन आई एम रिपीटिंग पहले हमने पढ़ा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट अब हम पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल डेसिडिस फॉरेस्ट मतलब मैं पता क्या कर रहा हूं वेस्टर्न गार्ड का ये वेस्टर्न मार्जिन है ठीक है वेस्टर्न गार्ड के जब वेस्टर्न मार्जिन में खड़ा हूं तो मुझे जंगल के मिल रहा घना मिल रहा है ठीक है फिर आ रहा हूं कम घना मिल रहा है अब मैं यहां चला गया तो क्या हो गया कि मुझे अब वो फॉरेस्ट मिल रहे हैं जो सूखे के टाइम पे जब रेनफॉल नहीं होती तो अपने पत्ते गिरा देते हैं क्योंकि पानी से लेना है जमीन से थोड़े बिसलरी की पीते बचा। जमीन से थोड़े तो अब वो क्या कर वो जब अपने पत्ते में स्टोमेटा जो होता है, है ठीक है क्या करने के लिए एनर्जी को लेने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए उसके साथ वाटर लॉस भी होता है उसके साथ क्या होता है अगर जब जमीन में पानी नहीं है तो वो उनकी लीवस अगर रहे तो उससे क्या होगा लॉस ऑफ वॉटर की वजह से प्लांट मर जाएगा तो प्लांट ने क्या करी यहां पर एडेप्टेशन करी उसने लीव कर दिया शेड कर दिया और जो ट्रीज अपने लीव्स को शेड करते हैं हमने इनको बोल दिया डेसिडियस ट्रीज जो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस बच्चा क्वेश्चन आ जाए आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा एरिया कौन से फॉरेस्ट कवर करते हैं तो द आंसर इज वॉट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में से दो जो फॉरेस्ट बताए मैंने उनमें से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन से मिलते हैं तो आंसर क्या लिखोगे आप ट्रॉपिकल ड्राई डेसी, डेसी दुआस लिख दिया मेरे दोस्तों ने ये जो हमारा टाइपराइटर है कोई बात इसको ठीक करेंगे लेकिन यहां पे आप क्या करोगे डेसिडियस करोगे ठीक है जी ट्रॉपिकल ड्राइड अब आप बोलोगे इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया जी महाराज एक ही करा दियो तो इसको किस बेसिस पे डिवाइड किया ऑन दी बेसिस ऑफ रेनफॉल ट्रॉपिकल मॉइस स्पेसिफिक फॉरेस्ट इंडिया में उस जगह में मिलेंगे जहां पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट वहां मिलेगा जहां पर रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में हो रही है दिस इज दी डिफरेंस ठीक है ठीक है विनोद जी टेम्परेचर भूल जाओ आप कहीं वो तो नहीं विनोद किताब वाले वो भूल जाओ क्या कहते हैं टे, 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 टेम्परेचर भूल जाओ सत्ता तो आपको लग रहा है पेड़ के, पेड़ से पूछना बचा नहीं मतलब वाटर टेबल में होना भी चाहिए ना सनलाइट भी होनी चाहिए ना बचा प्रॉपर एनर्जी भी होनी चाहिए आप रहे बड़ी सारी चीजें डिपेंड हाँ हाँ बेचारे पेड़ से पूछो आप ठीक है अब चलो आगे अब देखो ये क्लियर हुआ मॉइस्ट ड्राई किस बेसिस बेसिस पे डिवाइड किया है ऑन द ऑफ रेनफॉल रेनफॉल एनुअल अब देखो बच्चा बोला कि मॉइस्ट मॉइस्टि कहां मिलते हैं नॉर्थ ईस्टर स्टेट्स में देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्टर स्टेट्स कौन सी होगी बच्चा आपकी सेवन सिस्टर स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय त्रिपुरा मणिपुर उसको ले लो आप ठीक है और फुट हिल्स ऑफ हिमालय कहां मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ हिमालय में मिलते हैं और ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड उड़ीसा आप देखो ना घाट्स स्लोपन उड़ीसा क्या हो गया अगर मैं यहाँ पे दिख जाएगा ना आपको है? तो बच्चा, ट्री ट्री स्पीशीज कौन कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट टीक बच्चा टीक का भी नहीं बोलना क्योंकि टीक को क्या बोलते हैं ग्रीन गोल्ड बड़ा इसका इस्तेमाल किया कि उन्होंने अंग्रेजों ने ठीक है साल शीशम हुर्रा महुआ आमला सेमुल कुसुम सैंडलवुड बच्चा याद करना है इसका कोई ऑप्शन नहीं है याद क्या करना रटा नहीं मारना कुसुम, कुसुम, आमला, आमला, आमला। पेपर है? तो इस है इसको बस देखना है टीक साल शीशम हु तो अगर वो करोगे क्या कहते हैं रट्टा मारने कोटा कोटा मारने की कोशिश करोगे तो बच्चा कोटी जाना है दम ठीक है चलो आगे अब देखो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोला डेसिडियस फॉरेस्ट आपको पूरे पैनिसुलर रीजन में मिलेंगे प्लेन गंगा प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश बिहार आपको पूरा देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा एरिया ये कवर करते हैं ठीक है दीज फॉरेस्ट आर हैव ए लैंड लैंडस्केप लैंड समझते हो ना आपको ऐसा लगेगा मैदान है पूरा पूरा मैदान है आपको बड़े गैप मिलेंगे पेड़ों के बीच में तो पार्क लैंड लैंडस्केप मिलेगा आपको ठीक है रायकास फॉरेस्ट का जो क्या कहते हैं कटिंग हो रही है वहां पे खैर के पेड़ बहुत ज्यादा है तो वो उसकी कटिंग बहुत ही ज्यादा नुकसान देगी ठीक है पूरे पूरे जम्मू के क्या कहते हैं लोगों को ठीक है पूरा क्या कहते हैं एयर पॉल्यूशन में बहुत खतरनाक तरीके से क्या कहते हैं ये इंपैक्ट डाल सकता है अगर इसकी डिफॉरेस्टेशन होगी तो बचा अब खैर के बचा क्या कहते हैं कि खैर के पेड़ से कथा बनता है जो हम पान में यूज करते हैं ठीक है पान में और टेंडू के से क्या बनता है बच्चा टेंडू से बनती है बीड़ी ठीक है खुश हो ठीक है चलो जी अब चलते हैं आगे बड़े लड़के खुश भी होंगे बीड़ी इधर इधर करने बनती है ठीक है जी अब उसके बाद

बबूल वाइल्ड डेट पम्प खैर नीम खेजरी पालस और यहां पे ग्रास भी मिलती है जो टू मीटर की हाइट तक क्या है कहते हैं ग्रो करती है उसका नाम है क्या टस्की ग्रास क्या नाम है उसका टस्की ग्रास ट्राई टू तो रिकॉल ऑल दो थिंग्स जो मैंने आपको पढ़ाया जीरो फिटिक प्लांट्स बिल्कुल ठीक बोल रहे हो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स मिलते हैं उनको जीरो फिटिक प्लांट्स बोलते हैं वेरी गुड वेरी गुड मसरत जान जी ठीक है चले आगे अभी अगर आपको कुछ रिकॉल करना है पीछे रिकॉल कर लें ठीक है रिकॉल कर लें फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि आगे ये वाला थोड़ा ना माउंटेन फॉरेस्ट इसको याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है ठीक है ये माउंटेन फॉरेस्ट टोटल में जे के का फॉरेस्ट आप समझ लो जो माउंटेन फॉरेस्ट पढ़ाऊंगा आपको टोटल जे के का फॉरेस्ट है अभी तक यहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम बचा चले आगे अच्छा अजान का टाइम होता हम थोड़ा लेट कर लेंगे अजान कितने बजे खत्म होती है छह बजे स्टार्ट करेंगे कल से ना थोड़ा सा क्या कहते हैं फिर माउंटेन विल बी हिली एरिया नागा नहीं नीरज नाम है आपका मीरा मीरा नहीं मीरा ऐसा नहीं है हमने यहाँ पे भी पढ़ना है ठीक है हाँ मिल जाएगी तानिया हमें इसके नीचे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ठीक है चले तु तुम्हें क्या हुआ आज नजर लगी थी कुछ दी यूट्यूब में किसी ने क्या कहते वीडियो शीडियो देखने नजर तो लगा दी बड़ा मुश्किल हो गया था आज फिर चलनी चाहिए थोड़ी सर्दी लगी दी है है नहीं अब आ गया बच्चा माउंटेन फॉरेस्ट जो माउंटेन फॉरेस्ट है वो डिवाइडेड टू पार्ट में बचा एक है नदर माउंटेन्स नदर माउंटेन्स जो नदर इंडिया की बात हो रही है नदर इंडिया मतलब जे एंड के हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड यहां की बात हो रही है ठीक है स्पेशली सदर माउंटेन की अगर बात करूंगा तो सदर माउंटेन में आप याद याद है 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 आपको आपको तमिलनाडु में ठीक उसके उसके बाद याद है, पालनी Hills. उसके बाद Annamalai, पालनी, आ, आपका Hills. यहां पे जो mountain में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं क्या हम सदर माउंटेन फॉरेस्ट क्या बोलते हैं बच्चा सदर माउंटेन फॉरेस्ट ठीक है अब पहले करेंगे बच्चा नदर माउंटेन फॉरेस्ट में बोला बच्चा इसको रट रहे इसको इसमें कोई ऑप्शन नहीं है मतलब आप बस एक चीज ये करते जाओ कि आप याद रखो जी बच्चा ये क्या जी ये पहाड़ है ठीक है ये पहाड़ है तो हजार से दो हजार मीटर की हाइट में पीर पंजाल में इस तरीके के फॉरेस्ट मिलेंगे आपको ऐसे याद रखना अगर भूल रहा होगा तो पहाड़ बना लेना तो यहाँ पांच हजार मीटर की हाइट में आपको पॉस्चर लैंड मिलेंगे जिनको बोलते हैं गुलमर्ग जिनको बोलते सोनमर्ग मेरी बात आपको क्लियर हो गई चलते हैं हमारे वेरी गुड ऋषभ चलो आगे बहुत अच्छा पद्मश्री दूंगा आपको मजाक ही चलना चाहिए क्यों जी अब नदन माउंटेन फॉरेस्ट बोला सुनो बोला बिटवीन थाउजेंड टू टू थाउजेंड मीटर की हाइट में माउंटेन में जो फॉरेस्ट मिलते हैं उनको बोला हमने टेम्परेट फॉरेस्ट और यहां पे जो ट्री स्पीशीज मिल रही हैं, ओक और चेस्टनट बच्चा क्वेश्चन ही आता है कि बताओ नदन माउंटेन फॉरेस्ट में बिटवीन दी हाइट ऑफ थाउजेंड टू थाउजेंड मीटर कौन से फॉरेस्ट टाइप मिलते हैं तो आपको जो आपको स्पीशीज बतानी बतानी है है वो कौन सी ओक एंड चेस्टनट याद रखोगे फिर ओक एंड चेस्टनट ठीक है पंद्रह सो से साढ़े सत्रह सौ के मीटर की हाइट में इन नदन माउंटेन में चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो चाहे वो आपका जे एंड के हो यहाँ पे आपको पाइन फॉरेस्ट मिलेंगे इतो याद आई जी आई दी जी दीजिए पीर पंजाल दी तो याद आई दी पतरी टॉप पत्नी टॉप में जितने भी होटल्स आप देखोगे ठीक है रिजवान जी कल मैं साढ़े छह बजे आऊंगा टेंशन नहीं लो ठीक है अब जितने भी फॉरेस्ट हैं आप देखो पाइन फॉरेस्ट है आपको जो ट्रीज हैं मैक्सिमम जो वहां पे क्या मिलेंगे पाइन स्पीशीज मिलेंगे और उसमें स्पीशीज देखो आप चिनार देवधार देवधार वॉलनट और पाइन आजकल तो देवधार पहले क्या कहते हैं पूरे की पूरे क्या कहते थे लोगों ने पूरा पूरा पेड़ अंदर ले जाते थे देवधार का

कि 1500 से साढ़े सत्रह सो मीटर की हाइट में आपको पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं। ट्री स्पीशीज याद रखनी है सबसे इंपॉर्टेंट देवधार आपको नहीं भूलना बच्चा देवधार को अगर सो साल पे पानी में डाल के रखो कुछ नहीं होता इतनी वैल्यूएबल लकड़ी है ये इसको कुछ नहीं होता ठीक है और चिनार चिनार याद रखना पाइन और वॉलनट ये सारी क्या है जी पाइन ट्रीज में आती है ये एनी भूल दे चलो ठीक है कार्ते सामने है ठीक है जी ठीक असें पुलन भी नहीं चलो जी बोला 2225 से भैया थोड़ा बोरिंग है इसमें कुछ नहीं कर सकता ठीक है 2225 से 3048 मीटर की हाइट में आपको टेम्परेट ग्रासलैंड्स मिलेंगे और कुछ ट्री स्पीशीज भी मिलेंगी जिनको बोलेंगे आप ब्लू पाइन स्प्रूस एटसेट्रा अल्पाइन फॉरेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट 3000 से 4000 मीटर की हाइट में मिलेंगे और इंट्री स्पीशीज जो यहां पे मिलती हैं वो आपको याद रखनी है वो कौन कौन सी हैं सिल्वर बर्च ठीक है और इन अल्पाइन फॉरेस्ट को यूज करते हैं ट्राइबल पीपल कौन यूज करते हैं ट्राइबल कौन हो गए हमारे मैक्सिमम यहां पे गुज्जर्स एंड बच्चा हर किसी से पंगा लेना इनसे नहीं लेना बच्चा बड़ा गंदा मार मारते हैं ये ठीक है, है? हा भाई इनके बकरियों को अगर आपने छेड़ा इनके माल मविष्य को छेड़ा तो आप गए खत्म ठीक है हाँ अब पौ, बच्चा पॉस्टर लैंड क्या होता है मैदानी एरिया जैसे आप मैदानी एरिया अगर आप ले लें तो बच्चा आपने अभी मुगल रोड खोलने के बाद अगर देखो तो मुगल रोड से अगर आप जाओ तो शोपियान के वाया शोपियान निकलते आप तो आपको बच्चा मुगल रोड पूरा पूरा मैदान है इसको बोलते हैं पॉस्टरलैंड ठीक है इनको बोलते हैं लैंड और यहाँ के ग्रास लैंड दे आर वेरी न्यूट्रिशियस क्या है 3000 से 4000 मीटर बस इतना ऊपर चढ़ी के करना इतना बहुत है ऊपर जाना नहीं है ना अबव सी लेवल एग्जैक्टली अबव सी लेवल हाइट हमेशा अबव सी लेवल ही होती है ठीक है चलो अब सदन माउंटेन फॉरेस्ट बच्चा बोला सदन माउंटेन फॉरेस्ट में कौन-कौन से कौन-कौन से माउंटेंस हैं जिनके ऊपर ये फॉरेस्ट मिलते हैं उनका नाम है अन्नामलाई पालनी नीलगिरी और जो सदर्न माउंटेन्स के ऊपर जो माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं या माउंटेन फॉरेस्ट मिलते हैं उनको बोलते हैं शोला फॉरेस्ट ये मत भूलना ठीक है शोला फॉरेस्ट 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 आर आर द ऑफ माउंटेन फाउंड इन दिल्स ऑफ ऑफ सदर्न 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 स्टेट ऑफ इंडिया जैसे अनामलाई हो गई पालनी हो गई नीलगिरी होगी ठीक है इंडस इंडस्टो बिटवीन विच ऑफ द रेंजेस काराकोरम एंड लद्दाख और लद्दाख एंड जंसकार चलो जी आगे <coughs> चला था कि पूछा दिए चलो जी ट्री स्पीशीज ट्री स्पीशीज कौन कौन सी है बच्चा मग्नोलिया लोरेल सिंकोना वैटल आर दी ट्री स्पीशीज ऑफ शोला फॉरेस्ट याद रहेगा बच्चा क्लियर है हमने खत्म कर दिया फॉरेस्ट अब एक चीज बची है बच्चा एक चीज बची है लास्ट टाइप बचा है वो बच्चा लिटोरल और स्वैंप फॉरेस्ट कौन सा हाँ लिटोरल और स्वैंप फॉरेस्ट जिसमें आपको कभी भी नहीं भूलना है उसका नाम क्या है बच्चा उसका नाम है क्या मैंग्रूव फॉरेस्ट क्या नाम है उसका मैंग्रूव फॉरेस्ट बच्चा मैंग्रूव फॉरेस्ट याद रखना है इसमें हाँ तो उनको बोलते हैं हेलोफिटिक प्लांट्स क्या बोलते हैं उनको हेलोफिटिक प्लांट्स ये क्वेश्चन आ सकते हैं हेलोफाइटिक भी होता है plants, है हेलोफिटिक भी होता हेलोफाइटिक प्लांट्स ठीक है हेलोफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स बड़ा बोरिंग लग रहा है जी टॉपिक कुछ कुछ समझ नहीं आ रहा है बस रंजीत जी बस कजरारे कजरारे सॉन्ग में लगाने वाला हूं अभी नाचेंगे ठीक है इसको इंटरेस्टिंग करेंगे बच्चा तो क्या करूँ हाँ? मैं पेड़ को लेके क्या जिंगल आला करूं अर्ली मैन मंजू क्या करूँ जो है वो है यार ठीक है मैंग्रूव फॉरेस्ट तो मैंग्रूव फॉरेस्ट क्या है बच्चा हेलोफिटिक प्लांट्स है ठीक है प्लांट्स प्लांट्स आर कैन टॉलरेट सॉल्ट वॉटर जो सेलाइन वॉटर में भी लग जाते हैं और याद रखिएगा ये हमेशा ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलेंगे आपके बिल्कुल कोस्टल एरिया में जमीन के अंदर ही मिल सकते हैं हमेशा कोस्टल के बॉर्डर एरिया में मिलेंगे ठीक है बच्चा कहां मिलेंगे बॉर्डर एरिया में मिलेंगे अब दीज फॉरेस्ट ये बड़ा दुखी गई यारा कुछ है अब जो है इस फॉरेस्ट में क्या है डिस्ट्रैक्ट हो गया हूं मैं पूरी तरीके से कमेंट देख के हाँ, ये फॉरेस्ट जो है बहुत सारे बर्ड्स को एम्पीबियन को भाई आप समझ लो कि मैंग्रूव फॉरेस्ट जो है ना उनका जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है क्या प्लांट्स की क्या एनिमल्स की ठीक है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं वाटर को फिल्टर करने का जितने फिल्टर पानी में पॉलिटेंट्स होते हैं उनको फिल्टर करने का भी काम किन का होता है बच्चा इनका होता है ठीक है अब इंडिया में अगर आप देखोगे सबसे बड़ी सबसे बड़ा एरिया मैंग्रूव फॉरेस्ट का किस स्टेट ने कवर किया है तो उसका आंसर है बच्चा वेस्ट बंगाल क्या आंसर है उसका वेस्ट बंगाल मेरी बात क्लियर होगी उसके बाद इट इज फॉलोड बाय गुजरात आई थिंक सो मुझे याद नहीं है गुजरात देख लेंगे लेकिन जो आपका वेस्ट बंगाल में जो फॉरेस्ट है ना उसको क्या बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट को सुंदरबंश कभी नहीं बोला सुंदरबंश में एक ट्री है सुंदरी वहां से इसका नाम पड़ा है क्या जी सुंदरबंश मेरी बात क्लियर हो गई समझ गए और सुंदरबंश बहुत फेमस है किसके लिए बंगाल टाइगर्स के लिए किसके लिए बंगाल टाइगर्स के लिए ठीक है बच्चा क्लियर है समझ गए चलते हैं आगे हाँ मैंने ठीक बोला था ना कि सबसे ज्यादा एरिया कौन कवर करता है लिटोरल स्वैम्प एरिया मैंग्रोव फॉरेस्ट का वेस्ट बंगाल फॉलोड बाय गुजरात एंड अंडमान एंड निकोबार ठीक है बच्चा क्लियर है बच्चा क्लियर है जी आज इतने रखते हैं आगे मेरा इतना मूड नहीं है पढ़ाने का कितना टाइम हो गया बढ़ाते टाइम कितना होगा हाँ वही वही उसी वजह से हो रहा हूँ नेक्स्ट लेवल हो <laughs> अरे नहीं वो हमारे जो डिजाइनर है ना मसरत जान बोल रहे हैं ट्राई टू डू विद ट्रिक सर कैडी ट्रिक लावाए थे यार इधर भी कैडी ट्रिक लगानी है बहुत है क्या करना है आपको ट्रिक लगा के थैंक यू किसने बोला अच्छा थैंक यू सो मच गाइस आज मीरा जसरोटिया जी आप झूठ बोल रही हैं मैंने आपको पहले भी रिप्लाई कर दिया था सर आपको आ, फ्लावर समझती है उसको क्या पता सर फायर है हाँ <laughs> <laughs> एक इरफान है ना ऐसे क्या कहते हैं वो क्यों है कोकोनट कौन से फॉरेस्ट में आते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट अच्छा करूंगा फिर इकोसिस्टम के टाइम पे एक्सप्लेन अभी आप मुझे बताओ वेजिटेशन आपको क्लियर होंगे ना मैं आपको बोल रहा हूँ वेजिटेशन में आपको सिर्फ स्पीशीज याद रखनी है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें बनेंगे वो आपके स्पीशीज में बनेंगे ठीक है आपके स्पीशीज में ड्राई डेडीज ट्रॉपिकल वेट डेडीज उसके आपसे पर्सनालिटी कैसे Personally कैसे मिल, कैसे मिल सकते हैं हाँ लड़का यार सर का इंतजार अच्छा हाँ मैं मैं परेजी क्या कहते हैं लेके आऊंगा अब ना जे के पहले खत्म कर लू ना स्वाइल्स वगैरह खत्म कर लो फिर मैं लेके आऊंगा ठीक है मीर फरासत जी क्या कहते है अवेलेबल ऐप आईफोन में आपको कॉल करना पड़ेगा नंबर है अभी मत कर देना कल कल कर देना हाँ क्लास प्लस एप डाउनलोड करो आपको मिल जाएगा सेम सेम टू टू यू यू लड़का है

थैंक यू सो मच गाइज टेक केयर कल मिलते हैं हाँ साढ़े छह बजे कल मिलेंगे हम ठीक है जी